अ टाइगर इन द जू लेजली नॉरिस की एक पोयम है जो जू में बंद एक टाइगर की जंगल में रहने वाले टाइगर से तुलना करती है। टाइगर अपने नेचुरल एटमॉस्फेयर में खुश रहता है जबकि केज में वह उदास और नाराज है। कुल मिलाकर यह पोयम आज़ादी के इम्पोर्टेंस को शो करती है। यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि चमकदार स्ट्राइप्स वाला टाइगर जू के एक केज में बंद है और वो उसी छोटी सी जगह में घूम रहा है। उसके वेलवेट जैसे पैर बहुत नरम हैं जिसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती और वह पिंजरे में बंद होने की वजह से बहुत नाराज़ है। पोएट कहते हैं कि अगर वो आज़ाद होता तो किसी वाटर होल के पास की लंबी घास के पीछे छुपकर हिरण के आने का वेट कर रहा होता ताकि वो उसे अपना शिकार बना सके। पोएट कहते हैं अगर वो आज़ाद होता तो वह जंगल के किनारे बसे घरों के आसपास स्नार्लिंग करता हुआ यानि दांत चमका के और गुर्राते हुए घूमता और अपने तेज दांतों और पंजों से लोगों को डराता। पर वह अभी कंक्रीट के सेल यानि जेल में सलाखों के पीछे बंद है और वह धीरे धीरे घूमकर अपने केज की लंबाई नाप रहा है और वह वहां पर आने वाले लोगों को इग्नोर कर रहा है। वह रात को पेट्रोलिंग करती गाड़ियों की आवाज़ सुनता है और रात के अंधेरे में चमकते स्टार्स को अपनी चमकती हुई आंखों से देखता है। उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, वो उदास और बेचैन है। इस पोयम के थ्रू पोएट केज में बंद जानवरों के लिए ह्यूमंस की क्रुएल्टी के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं।